ये पटाखे जलाने के लिए तैयार। ये है फर्स्ट पटाखा, अब पता नहीं कैसा निकले। निकल ले। दिखाने के चक्कर में कहाँ गया। और ये जा रहे हैं मेला जाने के लिए तैयार है। कोई नहीं, ऐसे ये देखो, ये आएगी है भतीजी प्रसाद बांटने। ये लो, सेकंड बार हो गया। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। इतनी लाइट बढ़ा दी कि हैप्पी दिवाली चाची, सेम टू यू, खुश रहो, सेम टू यू। ये आ गया एक आरू और आलू। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आरू जय जय तो कर दो, कर दो, जय जय भी नहीं कर रहा। हैप्पी दिवाली, मामा से हेलो कर दो बेटा, जल्दी से करो भैया। अच्छा चलो बोर्ड डेवलप लगा लेते हैं। लगा, अरे तो बहुत बढ़िया है यार पटाखा। अरे क्या कैसे कर रही है। अरे यार बस ठीक है। गुरुद्वारे में दीपक जलाने आज है दीपावली, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ की क्या रौनक रहने वाली है। और सच बताऊँ मैं फर्स्ट बार आ रही हूँ, तो मेरी मनोकामना तो इस बार यही पूरी हो रही है कि मेरे कितने सालों से बचपन से ही लगा लूँ कि उम्मीद थी कि एक बार मैं दिया जलाऊँ यहाँ पे दिवाली के दिन, तो आज आने को मिला है। और आप यहाँ की रौनक, तो ये है यहाँ की भीड़ और यहाँ का ये है गुरुद्वारा। तो हम लोग जा रहे हैं, ये बना रखा है जोड़ागर, तो यहाँ पे जूते चप्पले जमा की जाती हैं। पूछते हैं, पूछ
लेते हैं, हेलमेट रखा जाएगा उधर, जूता चप्पल हम लोग उन्हें जमा कर दिया है। और यहाँ पे काफी भीड़ है इसलिए शोर भी होगा, तो प्लीज इग्नोर कीजिए इस बात को और ग्रुप का वीडियो का और गुरुद्वारे का आनंद लीजिए। तो आप लोगों को दिखाती भी रहूंगी और बात करना भी जरूरी है, इसीलिए आप लोगों से बात भी करती रहूंगी और आप लोगों को गुरुद्वारे का नजारा दिखाती भी रहूंगी। और वैसे तो कहते हैं जब मतलब ऐसे बिना त्योहार के आते हैं वैसे ही आते हैं तो वीडियो नहीं बनाने देते हैं, पर अभी इस टाइम बनाने दे रहे हैं तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे पति चले गए आगे आगे और इतनी भीड़ है तो मैं रह गई और वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे वहाँ पे। वाओ कितना अच्छा अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ बनाते बनाते वीडियो और मतलब आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे भीड़ है, बहुत भीड़ है। मिल गए देख लिया मैंने और आप लोग को दिखाती हूँ गुरुद्वारे का व्यू। ये देखो कैसे वेट कर रहे हैं। ये देखो कैमरामैन ने मेरे को एंगल बताया कि कहाँ से सही आने वाला है, वरना मैं तो ऐसे करके दिखा रही थी तो लाइट लग रही थी। तो आप लोग देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा लग रहा है, जब बाहर इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर कितना अच्छा लग रहा होगा ये देखिए। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और मजे कीजिए। सच्ची मेरी मनोकामना पूरी हो गई है कि बचपन से मेरा शौक था यहाँ आने का और पतिदेव ने कर दी पूरी मनोकामना। और यहाँ पे लोग ना, मैं पहली बार आई हूँ फिर भी मैं यहाँ देख रही हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे रात का मेला आते हैं तो काफी लोग यहाँ पे, आप लोग मेरे पीछे देखिए यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं सो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कल देखेंगे दिन का मेला, यहाँ पे बत्ती वगैरह लगा ली होगी तो दिन का मेला देखने के बाद फिर ये लोग कल चले जाएंगे। तो काफी सारी मात्रा में आप लोग मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल मंदिर है भाई, गुरुद्वारा गुरु का द्वारा। मैं भूल गई, मैं हैंगी कर रही थी और तक हैंग लाना भूल गई क्योंकि यहाँ पे जाने से पहले हैंगियाँ लगी हैं हाथ धुलते हैं क्योंकि जूते चप्पलें खोलते हैं, उसके बाद फिर बिना सर पे मतलब बिना सर ढके अंदर नहीं जाया जाता है। तो ये लोग अपने अपने जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, अगर जो रुमाल नहीं लाता है तो उनको अंदर कपड़ा भी दिया जाता है सर ढकने के लिए, लेकिन बिना सर ढके अंदर नहीं जा सकते। तो चलते हैं, यहाँ पे लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है और भीड़ तो बाप रे क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये भीड़ देखो गाइस, आप लोगों को बता दें कि मैं ब्लॉग बना रही थी मतलब आप लोगों से बात कर रही थी और ये देखते देखते कूड़ा घर की तरफ चले गए जहाँ पे जूते चप्पले खोले गए थे, तो हम आ गए थे गलत रास्ता जो कि ये बाउंड्री लगी हुई है। तो हम लोग फिर बैक जा रहे हैं वहाँ से, फिर यहाँ से आएंगे और सब लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। सच में कहूँ एक बार कभी आप आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो।
ज्यादा लगी हुई है और इनके पीछे ये लगे हैं, तो इनके साथ मैं हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, भीड़ तो कब से दिखाई रही हूँ, लेकिन यहाँ जाना है हमें मत्था टेकने। ये देखो कौन सी दुनिया में खोए हुए, कहाँ नजर है। यहाँ पे ना इतने दिए जल रहे हैं, तो तेल घी और ये है संगमरमर का नीचे पत्थर, तो उसमें तेल और घी की चिपचिपाहट इतनी है, बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है, तो संभल संभल के चलना पड़ रहा है। और मेरा बेटा बार बार हम इससे कह ले रहे हैं कि बेटा संभल के चलना, क्योंकि फिसलन बहुत हो रही है ना यहाँ पे, और इतनी भीड़ तो मेले में भी नहीं होती होगी किसी, इतनी की भीड़ आ जाए तो। मैंने आज शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे, इतना अच्छा लग रहा है पहली बार आके, तभी लोग यहाँ पे हर साल आते हैं। और पतिदेव को ये हाँ सामने लाइट लगी हुई है, LED बहुत अच्छी, तो बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए लाइट बहुत बढ़िया लगी है, तो मैं दिखा दूँ।